हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सेम का अचार बनाने चल रहे हैं। तो ये देखिए, हमने ताज़ा सेम लिया है। इसको इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। काट के हम अच्छी तरीके से धुल के रख लिए हैं। इसको अब हम बॉयल करेंगे, तो कुकर में रख रहे हैं इस तरीके से। इसमें हल्का सा हम पानी डाल दिए हैं, पानी ज़्यादा नहीं डाले हैं। देखिए, इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं और दो सीटी लगा देते हैं। इधर हम खड़ा मसाला लिए हैं इसमें डालने के लिए, तो जीरा है, सौंफ, मेथी और काली तिल। इसको हम थोड़ा सा गैस पे भूंजेंगे, ज़्यादा हमको नहीं भूंजना है। इसको हम इस तरीके से बराबर चला के हल्का से हमको भूंजना है, ताकि कच्चापन इसका निकल जाए। देखिए, इस तरीके से इसको हम भूंज रहे हैं, तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम दरबरा पीस लेंगे मसाले को, और इधर हम सेम रख दिए हैं ठंडा होने के लिए निकाल के थाली में। अब हम पैन रख देते हैं गरम होने के लिए। इसमें छोटी कटोरी से हम एक कटोरी तेल लिए हैं, तेल हल्का ज़्यादा ही डालिएगा। आधा चम्मच हम जीरा ऐड कर रहे हैं। हम ये तड़के वाला अचार बना रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप भी ट्राई करिएगा। अब इसमें हम सेम डालेंगे। देखिए, हम सेम डाल के अच्छी तरीके से इसको चला दे रहे हैं। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो ये हमने जीरा पाउडर लिया है एक चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और जो हम मसाला पीसे हुए थे दरबरा उसको लिए हैं। देखिए, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से चला दे रहे हैं, सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। देखिए, इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें हल्का सा हम हींग डालेंगे, हींग से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसमें हम दरबरा कुटा हुआ लहसुन एक चम्मच डाल रहे हैं। इसको हम थोड़ा बाद में डाल रहे हैं, क्योंकि ये बाद में डालते हैं तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी आता है। तो डाल के अच्छी तरीके से मिला लिए थे, देखिए, और इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमारा खिला खिला अचार बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारा तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।